गाइस अगर BTS और Blackpink का कंपैरिजन हो तो आपको क्या लगता है कि who is the winner of this battle? जैसा कि दोनों ही ग्रुप्स आज अपनी वर्ल्ड वाइड पहचान बना चुके हैं, लेकिन गाइस जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है, सो प्लीज डोंट टेक इट सीरियसली। तो गाइस कमेंट में बता दो कि आप क्या हो, एक BTS आर्मी या फिर Blackpink ब्लिंक, और विनर जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए गाइस जानते हैं। अगर बात करें इंस्टा फॉलोअर्स की तो Blackpink के है 51 मिलियन, और वहीं BTS के है 70 मिलियन। अगर दोनों ग्रुप्स के YouTube सब्सक्राइबर्स देखें तो Blackpink के है 83 मिलियन और वहीं BTS के है 73 मिलियन। तो गाइस आप जानते हैं कि ज्यादा अवार्ड्स किसने जीते हैं? तो बात करें Blackpink की तो Blackpink ने 322 नॉमिनेशन में से 93 अवार्ड्स जीते हैं, और वहीं BTS ने 703 नॉमिनेशन में से 486 अवार्ड्स जीते हैं। अगर बात करें नेटवर्थ की तो गूगल के अकॉर्डिंग Blackpink का नेटवर्थ $62 मिलियन है, और वहीं BTS का $150 मिलियन है। अगर बात करें टैलेंट की तो दोनों ग्रुप्स में टैलेंट की कमी तो बिल्कुल भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर K-pop के टॉप 10 डांसर की बात करें तो उसमें हमें लिसा, जे होप और जिमिन देखने को मिल जाएंगे, और अगर K-pop के टॉप 10 रैपर्स की बात करें तो उसमें हमें जैनी, लिसा, RM और सुगा देखने को मिल जाएंगे, यानी कि दोनों ही ग्रुप्स K-pop में रूल कर रहे हैं। तो गाइस दोनों ही ग्रुप्स इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज के साथ कोलैब कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल BTS ने चार्ली पुथ, कोल्ड प्ले और निक्की मिनाज जैसे इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज के साथ कोलैब किया है, और वहीं Blackpink ने भी सेलेना गोमेज और डीजे स्नेक जैसे इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज के साथ काम किया है। तो गाइस जे रहे सभी पॉइंट्स आपके सामने, अब आप ही बताओ कि रियल विनर कौन है, BTS या फिर Blackpink या फिर दोनों ग्रुप्स, और देखते हैं कि कमेंट्स में ज्यादा क्या आता है, BTS या फिर Blackpink।